हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। मेरे इस चैनल को इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि OTET यहाँ पे हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे जो रिसेंटली रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सब कुछ डिटेल में। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही आप लोगों को समझ आएगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि OTET 2018 में इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। कैटेगरी ये हायर सेकेंडरी और विथ 50% मार्क्स आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। हायर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स या 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और DELED। तो यहाँ पे आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके साथ साथ हायर सेकेंडरी विद इन 45% मार्क्स एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द NCTE रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म एंड प्रोसीड्यूर रेगुलेशन 2002। इसके अलावा आपका पास अगर हायर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री BEd है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हायर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, कैटेगरी बी में आपको ग्रेजुएशन विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके चाहिए क्वालिफिकेशन, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन तो आप अगर है आपके पास क्वालिफिकेशन तो आप अप्लाई कर सकते। रिलैक्सेशन ऑफ 5% मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स ऑफ हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल एज द केस में बी विल बी गिवेन टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST SEBC एंड PW कैटेगोरी। इसके साथ साथ कैंडिडेट सिलेक्शन जो कि होगा, यहाँ पे रिटर्न एग्जाम देना होगा, उसके बाद ही आपको जो कि आपको सिलेक्शन होगा। तो एग्जैक्ट डेट जो कि इसका जो डेट है एग्ज़ाम के डेट, इसके साथ ही इंटरव्यू जो कि होगा, सब कुछ आपको इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वेबसाइट है BSEodisha.ac.in, आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूँ किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन में जाके अप्लाई करना होगा। इसके साथ साथ आपको 12 नवंबर 2018 से शुरू होगा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड लास्ट डेट रहेगा 27 नवंबर 2018 तक। और एग्जामिनेशन फीस जो है यहाँ पे 500 रुपीज़ फॉर SC फॉर जनरल OBC एंड 300 रुपीज़ ST के लिए SC ST के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ, स्टार्टिंग डेट जो है यहाँ पे 12 नवंबर 2018 एंड लास्ट डेट जो है 27 नवंबर 2018 तक। तो दोस्तों, इसके ये था जो कि उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट OTET 2018 के रिक्रूटमेंट के डिटेल्स। अगर आप चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ऑफिशियल जो लिंक है अप्लाई के लिंक, जो ऑनलाइन में जाके अप्लाई करने के लिंक है वो नीचे आपको मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके जो कि यहाँ पर अप्लाई कर सकते। इसके साथ साथ इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके या मेरा फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पेज का लिंक में नीचे दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते। थैंक यू फ्रेंड्स।